हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाड़ी बाहर ही खड़ी है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो बाहर तक चल के जाना पड़ेगा। एक मिनट, और ना एक दो दिन से थोड़ी सी ना धूप हो गई थी, गर्मी सी हो गई थी। अभी आज फिर से देख लो, धूप बिल्कुल नहीं है और हवा भी चल रही थी। भाई अच्छा हो भैया ने साफ कर दी, भैया को दिख गई बाहर गाड़ी। नहीं तो हाँ यार, मुझे लग रहा था भैया ने डैडी से पूछ लिया होगा फ़ोन करके कि गाड़ी कहाँ पे, तो डैडी की भी करी दी होगी। एनीवेज ये सब तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ मैं। ये जिम का बैग, टिफिन और अपना बैग। अपना बैग कैसे फेंका, देख रहे हो ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। एनीवेज आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं सुबह सुबह कितनी फालतू बातें कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यार बड़ी मुश्किल से रेडी होता हूँ मैं सुबह सुबह, सिर्फ दिया सो रही होती है भाई, ऐसे चोरों की तरह तैयार होना पड़ता है ना। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जितना ज्यादा आप बिना आवाज करे काम करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आवाज आएगी, उतना ज्यादा शोर होगा, टकराओगे कहीं, कुछ चीज हिल जाएगी एकदम से। मेरे साथ तो सबसे ज्यादा यही होता है, जितना ज्यादा चोरों की तरह काम करोगे उतने ज्यादा पकड़े जाओगे। तो भाई इतना सुबह सुबह ना ऐसे एंग्शियस हो रहा होता हूँ मैं कि कहीं यार कुछ हिल ना जाए, वो उठ जाएगी दिया एकदम से और फिर परेशान करने लगेगी विशाली को। और हम एक्चुअल में उसको खुद नहीं उठाते हैं, आप लोगों को पता ही है, बच्चे को कभी भी खुद उठाना नहीं चाहिए। पूरी नींद ले ले अपने आप खुद उठ जाएगा, उसका कौन सा काम है भाई, हमारी तरह ऑफिस तो जाना नहीं, स्कूल जाएगी बेचारी, फिर तब तो उसने उठना ही उठना है जल्दी। तो अभी ऐश करने दो बेचारी की, जिंदगी के थोड़े अच्छे पल गुजर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, सोती है आराम करती है, फिर हमारी तरह बिजी हो जाएगी दुनियादारी में, परेशान होएगी, फिर सब आगे चल के अपनी लाइफ में बार बार सुबह जल्दी उठना, उसको अभी पता ही नहीं है इस गम का। हमें पता है भाई कैसे उठकर सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, बट करना पड़ता है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो मैं ऑफिस निकलता हूँ। Good morning friends, welcome back. I am much better today, so I can vlog nicely today. And जो मेरा बेबी है, she's looking at me कि मम्मा क्या कर रही है, तो मम्मा vlogging कर रही है। सब कुछ ऐसे फेंका हुआ है, she don't want to have milk. Naughty kid. So guys, मैं किचन सॉरी बाथरूम में आपको ये दिखाने आई हूँ कि मेरे सारे नलकों में अच्छा प्रेशर आ रहा है पानी का, देखिए, ठीक है, देखिए नो प्रॉब्लम। बट इसको पता नहीं क्या हो गया है, ओ ये आ रहा है, बट स्टिल ये सब बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो ये ना मुझे लग रहा है ये गंदा हो चुका है, तो मैं इसको निकाल के साफ़ करने वाली हूँ। सो गाइस, मुझे ना दो इंस्टाग्राम के लिए रील्स शूट करनी है, और इस बात को भी ओवर टाइम हो गया इस प्रोडक्ट को आए हुए, लेकिन ना एक प्रोडक्ट को आया, दूसरा तो कल ही आया, और मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली जो टाइम मेरे को सिवाना से फ्री होकर मिलता है उससे मुझे कुछ और काम होता है, और जब सिवाना मेरे पास आती है मैं उसको सुला रही होती हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होती हूँ। बट मुझे आज एग्जॉस्टेड हूँ या ना हूँ, मुझे वो आज करना ही करना है। और मेरे बालों में ना ये रव बैंड का निशान बड़ा गंदा पड़ जाता है, तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा हर हालत में आज। दूसरी बात, मेरे चक्कर भी बांट रहा है। ऑस्टिन, व्हाई यू आर हियर? सो एनीवेज गाइस, तो मैंने बनाए थे करेले, और करेले आप देख लीजिए कटे हुए हैं, इनको मैं पानी में, गर्म पानी में, नमक वाले पानी में उबालूंगी 2-3 बारी, उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश करूंगी और फिर तड़के में डालूंगी। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. तेल में सबसे पहले डालूंगी अपने आलू और करेले, तेल थोड़ा ज़्यादा डलेगा इनमें क्योंकि टाइम लगता है इनको बनने में, तो मैंने सबसे पहले यही डाला है। और एंड में मैं डालूंगी प्याज टमाटर अपने, तो अब इनको होने दूंगी। सो हमारे यहाँ नीचे किसी की शादी है, तो ये पूरा ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट एनीवेज आज कुछ ऐसा मौसम है, धूप नहीं थी आज, तो मैंने मसाले वगैरह पहले ही डाल दिए थे, और अब मैंने प्याज डाला है। प्याज को भी मैं
पाँच मिनट भी नहीं, दो मिनट तक प्याज को पकाऊंगी, उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर। तो ये सब कुछ हो चुका है, डल चुका है और बस अब इसको बनने देंगे थोड़ी देर। सो गाइस जैसे ही फ्री हुई हूँ किचन से, मदर के नॉट बी फ्री, आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, शिवानंद कंबलों के बीच में सोने की कोशिश कर रही है। अच्छी भली खेल रही थी बट अब इसको नींद आ रही है और दोनों हाथों से कंबल पता नहीं क्या कर रही है, सो शी विल स्लीप नाउ। तो जब तक जिवाना सो रही थी मैंने अपने नेल्स लगाए, जिनको पता है क्या, जो मुझे पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं मेरे नेल्स के हाल। तो मैंने फेक नेल्स लगा के अपनी रील्स बनाने वाली थी बट इतने में बीच में शायद उठ गई, हनी आ गया था इसलिए, तो नेल्स तो मेरे लग गए और इनमें मैंने कोई पिंक सा पड़ा था, कोई नेल पेंट, वो लगाया था। फ्रेंड्स आ गए, नमस्ते भाई, क्या हाल है? अभी थोड़ा सा टाइम मेरा ठीक हो गया, जब बिगड़ेगा दोबारा फिर तुम्हें याद करूंगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम शीरो, शीरो 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 तो शिनचैन की कुत्ते का नाम था। कुत्ता था शीरो, शीरो शीरो था, शीरो नाम उसका, तो कुत्ता था उनके पास, कुत्ता था वो। हाँ। पता नहीं कुत्ता था कुतिया थी। एक छोटा बच्चा और आप तैयार हो रहे हो किसी काम के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं, तो आपको बीच बीच में बच्चे को भी टाइम देना पड़ेगा। आई डोंट नो इनको क्या चाहिए बट इनको यहाँ बैठना है। देखो अब लड़की हो, अब मुझे लड़की कब लगोगे, ये बाल कब बढ़ेंगे? हेलो, शी इज़ लुकिंग एट ऑल दिस। ना रील शूट हो रही है और मुझे बुलाया गया कैमरा पकड़ने के लिए, और मेरे पास देख लो असिस्टेंट कैमरामैन, गाइस देख लो मैं पहली बार लेंस लगा रहा हूं, जो कि टिक नहीं रहा है बिल्कुल। आई गिर गया, मार जो, हट जा, वीडियो शूट हो रही है, हट जा, हट जा। अच्छा ओके, अपने काम के लिए बुला लेती है फिर भगा देती है। वैशाली रील बना रही है और मैं आया हूँ चाय बनाने, और मेरे साथ देखो कौन आया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं देखता हूँ इसको अपने पास बिठा के चाय बना के देखता हूँ, मेरे ख्याल से बैठी रहेगी, बीच बीच में बातें करता रहूंगा, है ना दिया, है ना। अभी सोच रही कौन से नए कमरे में लेके आ गया मुझे। सो जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है, आप पागल हो जाते हो चाय बनाते बनाते, जैसे मेरा पति हो गया। मजा आ रहा है मेरे को देख रही काम करते हुए, अच्छा जा रही है, अपने आप हंसी जा रहा है, अपने आप खेल रहा है। हाँ जी गोदिया ना, गोदी नो गोदी, अभी काम कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं ले सकता हूँ गोदी, अभी नहीं ले सकता हूँ। सो हनी ने कहा अच्छे लग रहे हैं, लेंस लगा लियो, तो मैं लगा लूंगी और बहुत देर पहले तैयार होने शुरू हो जाऊंगी। सो ओके, बट एक लैश लगानी सीखी थी उसी में इतना टाइम लग गया, अभी लेंस भी आ गए, तो हमारी बॉडी में कुछ असली है, दाना बंदी हो गई और ये यहाँ खड़ा है, तो चलिए चेंज करते हैं। सो लेंस लगा तो लिए, अब उतारने का टाइम है, इट्स लुकिंग गुड। सो अब उतारने का टाइम है और मैंने सोच लिया है कि अब मैं लेंस ज़रूर लगाया करूँगी, ग्रे ब्राउन तो मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरी आईज ऑलरेडी ब्राउन है। ये क्या फैशन है, रेड लेंस लगा ले है, ये कौन सी ठंड है, आधी अधूरी। तो चलिए लेंस लगाते हैं। यार आज तो एक्चुअल में पूरा दिन ही हवा चली है, धूप थोड़ी सी निकली थी, अभी भी हवा चल रही है। मैं आया हुआ हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और जो लोग दिल्ली से नहीं हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगेगा, मतलब जो लोग दिल्ली से नहीं है, सॉरी जो लोग दिल्ली से नहीं है उनको पता नहीं होगा, जो दिल्ली से है उनको सिमिलर लगेगा, क्योंकि मोस्टली होता ऐसे ही है कि बीच में ठंड दो चार दिन के लिए गायब हो जाती है फिर से आ जाती है एकदम से। तो अभी हो सकता है बारिश भी आए एक दो दिन के अंदर अंदर, या जाने से पहले एक बार बारिश भी आती है, बाकी पता नहीं भाई, मैं कोई वो नहीं हूँ, वेदर फोरकास्टर नहीं हूँ या ये सब जो भी है, मतलब बस मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ जनरली होता क्या है, बाकी इस नॉलेज का आप करोगे भी क्या, बट ठीक है। क्या कर रहा है एक तो ना भाई, कहो ना, देखो मुंह ऊपर नहीं होता है,
मुंह नीचे रहेगा, जमीन के अंदर गड़ा रहेगा मुंह। और अभी खाना वाना बाहर से मंगाया है थोड़ा, तो जब आता है दिखाते हैं। सबसे पहले अपना काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं ना बाद में रोता हूँ, भाई थक गया थक गया, फटाफट काम निपटा लेते हैं। निकाल रही इतना आलसी बच्चा भी से देखा है, जो टीदर भी माँ बाप रगड़ रहे हैं मुंह में। देखो जरा ये होती है ऐश, थोड़ा तो जोर लगा लो बेटा, कुछ तो मेहनत कर लो थोड़ी बहुत। देखो मुंह खोलना है लेकिन खुद नहीं करना, मेहनत कर लो बाबू, थोड़ी सी मेहनत कर लो, हंसो मत, मेहनत मेहनत मेहनत, हार्डवर्क हार्डवर्क, हा 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 हार्डवर्क, हा 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 हार्डवर्क। ब्रश 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 योर टीथ, आपकी टीथ आएंगे, आपकी भी टीथ आएंगे, दिखा दो सबको कि टीथ आ रहे हैं आपके। वेट 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 वेट, दिखाने ही नहीं देता है बच्चा। तो विशाली ने मंगाया है सांबर और मसाला डोसा, जो कि हाफ मैंने ले लिया, लुक्स गुड, लेट्स ट्राई। और इधर बच्चा जिम में डाल दिया हमने, ताकि हम खाना खा सकें। भाई साहब क्या सांबर है ये, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आई विश आप लोग ट्राई कर सकते होते। भाई क्या सांबर है ये, बहुत ही टेस्टी सांबर है। जो भी लोग हमारे एरिया से देखते हैं, कालका जी से देखते हैं, कालका जी में अग्रवाल स्वीट सेंटर है भाई, वहाँ का ये सांबर डोसा ट्राई करके ज़रूर देखना आप लोग, मज़ा आ जाएगा, क्या सांबर है भाई साहब। अभी विशाली का रिएक्शन लेता हूँ। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नूडल्स ना मंगाऊं और मंचूरियन भी ना मंगाऊं, मतलब मंचूरियन तो आ गए, वरना नूडल्स मेरी ज़्यादा फेवरेट है। तो ये भी मंगाया हमने, और विशाली शिवाना चली गई है बाहर, अब विशाली लेके नहीं आई अपना, मैं देख रहा हूँ कल का बिग बॉस। ता कैसा लगा, मस्त है ना, मैंने तो रेकमेंड भी कर दिया, जो भी आज कॉम्बो देख लो, कॉम्बो मैंने दिखाए, देख रहा हूँ मैंने, बता दूँ पहले क्या मंगा रहा था। नहीं पहले वाला नहीं बताया, अभी पहले हम खा लेते हैं फिर बताते हैं। ओके ये ले, पकड़ो 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 पकड़ो। एक पारी था जब हम डिस्कस करते थे कि ये पानी पकड़ेगी, और आज वो दिन है कि पानी पकड़ रही है, और ये तो बेचारी। अब इसी के साथ व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। शिवाना खेले पे खेले जा रही है भाई, सोने का कोई हिसाब नहीं। अब हम उसको सुलाएंगे, क्योंकि अगर उसके साथ खेलेंगे तो वो और लेट तक उठी रहेगी और हमारी बैंड बजेगी। और देखो मैं बात करता हूँ ना, तो देखो कैसे देख रही होती है। तो हाँ विशाली कह रही है कि शिवाना व्लॉगर बनेगी, बने अच्छी बात है, पहले हम तो बन जाएं ठीक से, तभी तो बनेंगे, तभी तो बच्चा बनेगा। तो करते हैं एंड, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। जो लोग भी कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशाली को भी बहुत अच्छा लगता है, जिनको भी हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग अस। एंड कल मिलते हैं, बाय एंड गुड नाइट।